कोयलांचल में हेवी ब्लास्टिंग से होने वाली क्षति का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर हेवी ब्लास्टिंग से होने वाली नुकसान लोगों के जान पर बना रही है। एक बार फिर ऐसा देखने को मिला है धनबाद के बागमारा में। हेवी ब्लास्टिंग ने फिर छीना आशियाना, बाल बाल बचा निर्दोष परिवार, घर में बना मौत का कुआं, 30 फीट गहरे गोफ में समाये परिवार के लोग। हम अगर ये कहें कि धनबाद की बहुत बड़ी आबादी मौत पर सोती है तो बिल्कुल हैरान होने वाली बात तो नहीं है। दरअसल बाघमारा की यही कहानी है। भूधसान मानो आम सी बात हो गई है और एक बार फिर भूधसान हुआ, और इस बार मामला है बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 कैरुडी मुसहर टोला का, जहां जोरदार आवाज के साथ पार्वती देवी के मकान में 30 फीट गहरा गोफ बन गया और पूरा परिवार गोफ के अंदर ही समा गया। ये तब हुआ जब पूरा परिवार अपने भूखे पेट को भरने की तैयारी कर रहा था। हो हल्ला सुनने के बाद आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचते हैं और ग्रामीणों ने सभी को गोफ से बाहर निकाला है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी भूखे पेट रात बिताने को बेबस भी रहते हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिर बीसीसीएल उनके जान के साथ क्यों खेल रही है। सवाल तो हमारा भी है, लेकिन जब बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 के महाप्रबंधक से बात की गई तो कहना है कि यहाँ के लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, उसके बावजूद भी बीसीसीएल की ओर से पुनर्वास करने के लिए 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 3 बार नोटिस के बाद भी यहाँ के लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आग है और इन लोग को जो है ना बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ से हट जाए। नोटिस 3 बार दिया गया है। हाँ, 2021 से नोटिस हो रहा, थाना को भी रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन इन लोग रोजी रोटी के नाम से जान गवाने के लिए तैयार है, लेकिन शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है। बीसीसीएल का पुनर्वास योजना, अधिकृत आदमी के लिए 20,000 रुपया मिलता है, मिलेगा मात्र 20,000 मिलता है। हाँ, जो हमारे सरकारी ये है, चूंकि ये हमारे जमीन को कब्जा करके रखे है, यही घर वजह से सर, घर वजह से है कि ब्लास्टिंग हुआ है। ब्लास्टिंग के कारण धसा? हाँ, ब्लास्टिंग के कारण धसा है। कितने बजे धसा है? 8:30 सर, रात में। सामान सब अंदर चल गया? सब अंदर चल गया सर। आप लोग कैसे बचे? आदमी अंदर गया था? हाँ, अंदर गया था, हमारा दमाद बस्ती वाला आया, अब चिल्लाइए तो बस्ती वाला आया तो हमारा घींच के निकाला, हमारा बहू के हमारा सब घींच घींच के निकाला है सर। बीसीसीएल से कोई अधिकारी आया देखने के लिए? आया तब बोल के हम नहीं बोले, कुछ नहीं बोले है, अभी आप ही पास बोल रहे हैं। पुनर्वास के लिए आप लोग कहीं बैसाने के लिए कोई बात हुआ, जमीन उमीन दिया? नहीं नहीं, कोई चीज की बात नहीं हुआ सर। तो जब बुधसान हो गया रात को 8:30 बजे, तो खाना पीना कहाँ खा रहे? नहीं, डर से अभी बना ना रहे सर, सब बैठा हुआ है सर। खाना भी नहीं कोई खाया? कोई ने खाना खाया, एकदम भूखे मर रहे हैं सर, डर से, इतना डर बुझा रहा नहीं सर, जो कहना नहीं है। कहानी थोड़ी दूसरी भी है। महाप्रबंधक महोदय कह रहे हैं कि पुनर्वास के लिए 20,000 दिया जा रहा, लेकिन वहां के स्थानीय तो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही पुनर्वास के लिए पैसे की कोई बात कही गई है। वहीं ग्रामीणों को पुनर्वास करने से पहले जमीन को चिन्हित कर बैंक अकाउंट में पैसे भेजने का नियम है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बताइए तो मामला, हम लोग का घर जो धस रहा है, इतना फट गया है, तो हम लोग कहाँ करें, कहाँ जाएं? कैसे धस रहा है? ब्लास्टिंग से। ब्लास्टिंग से धस रहा? तो बीसीसीएल का अधिकारी आप लोग को पुनर्वास के लिए कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, यहाँ से हटाने के लिए कुछ नहीं बोल रहा? कुछ नहीं बोल रहा। घटना रात में घटा है ना? हाँ, 8:30 बजे हो गया, धस गया है। एक आदमी भी घुसने जा रहा था, उसको निकाले हम लोग हल्ला करके। उसके बाद हम लोग का कुछ रहने की व्यवस्था है, सब अंदर चल गया है, सब सब सामान वामान अंदर चल गया है, रहने की व्यवस्था नहीं है, सामान तो अंदर चल गए, खाना पीना। जो आदमी अंदर गया था उसका क्या नाम था? धर्मेंद्र भुइया। मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। मौत के साए में 61 परिवार चैन से सोना तो दूर, जीना भी भूल गए हैं। अब तो देखना ये है कि बीसीसीएल इन पीड़ितों के लिए क्या कुछ प्रबंध करती है, या फिर जब तक फिर किसी की मौत नहीं हो जाती, इनके कान तक जू नहीं रेंगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम।